Now, in the first one of exercise 2.5, it says find 0.4 divided by 2. अब यहाँ पे हमें क्या वैल्यूज दी हुई हैं? 0.4 इज द एंड 2 इज द. अब सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे डेसिमल रिमूव करो. डेसिमल रिमूव करने पे आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू पुट 10 डाउन, क्योंकि एक डेसिमल प्लेस से पहले आपने डेसिमल प्लेस किया और नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा. 4 और 2 को कैंसिल करोगे तो ऊपर क्या आ गया आपका, 2. सो वी हैव इज 2/10. और 2/10 को सिंप्लीफाई करना बहुत सिंपल है, इससे हमें पता है कि एक डेसिमल प्लेस से पहले क्या लग जाएगा, हमारा पॉइंट लग जाएगा. सो आंसर वुड बी 0.2. नाउ द सेकेंड पार्ट, इट सेज 0.35 इज देयर एंड डिवाइडेड विद 5. पॉइंट हटाओगे तो कितने आ जाएंगे आपके जीरोस, 2 जीरोस वुड बी देयर, 100 आ गया. अब 5 से आप 35 कैंसिल करो, 7 आ गया, एंड 7/100 वुड बी 0.07. क्या आंसर आएगा आपका इसका, 0.07 वुड बी देयर. नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन. हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2.48 डिवाइडेड बाय 4. इसको डायरेक्ट भी आप डिवाइड कर सकते हो अगर करना चाहो, नहीं तो डेसिमल रिमूव करके कर सकते हो. एक मैं आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ डायरेक्ट डिविजन मेथड से. तो यहाँ पे हमें हमें पता है कि वी हैव इज 2.48 और डिवाइड किससे करना है, 4 से. अब मुझे पता है कि 4 के टेबल में हमारा 2 तो आता नहीं है, सो आई विल चेक इट फॉर 24. 24 कब आता है हमारा, इट वुड बी एट 6. तो 0.6 लगेगा क्योंकि हम यहाँ पे डेसिमल प्लेस ऑलरेडी यूज कर रहे हैं. तो 24 में से 24 का 0, 8 कैरी फॉरवर्ड करोगे, और 8 कब आता है 4 के टेबल पे, 2 पे. तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलती है, 0.62. नेक्स्ट यू हैव 65.4 डिवाइडेड बाय 6 इज द. पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा आपका, 0 वुड बी देयर. ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि हमारा क्या 654 6 से डिविजिबल है. सो इट इज 6 से डिविजिबल है. कैसे, आपको क्या मिलेगा जब आप 654 को 6 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 109. एक बार दिखा भी देती हूँ कि कैसे. 654 है, 6 से डिवाइड करना था, 1 आता है हमारा, 6 हो गया कैंसिल. 54 नीचे उतारोगे, दो नंबर साथ में उतार लो तो 0 प्लेस करोगे, और 6 टाइम्स 9 इज 54. आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे, 109 डिवाइडेड बाय 10. तो 109 को 10 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, 10.9 आज द आंसर. नाउ फिफ्थ वन इज 651.2 डिवाइडेड बाय 4. यहाँ पे भी यही करते हैं, डेसिमल हटाते हैं, नीचे 10 आ जाएगा. नाउ वी हैव टू सी कि 65124 से डिविजिबल है या नहीं है. सो बिल्कुल है, इट विल बी डिविजिबल एट 1628. चाहे आप डिवाइड करके देख लो, जैसे मैंने अभी ऊपर वाला करके दिखाया, आप लोगों को आता ही होगा as you are in class 7th now. So 1628 divided by 10 would be 162.8 would be the, क्योंकि एक decimal place से पहले हमारा decimal लग जाएगा. Then you have the next one as 14.49 divided by 7. अब decimal हटाओगे, नीचे 7 आ गया और दो zeros आ जाएंगे नीचे हमारे. अब 1449 is again divisible with 7. 7 2s are 14 होता है, और 49 नीचे उतारोगे तो एक जीरो प्लेस करोगे, और 7 × 7 इज 49. तो आपको वैल्यू क्या मिल जाती है यहाँ पे, 207. 207 डिवाइडेड बाय 100 वुड गिव यू 2.07 एज द आंसर. ठीक है, नाउ यू हैव द सेवेंथ वन. सेवेंथ वन में हमारे पास क्या है, 3.96 डिवाइडेड बाय 4 इज द. 3.96 को हमें किससे डिवाइड करना है, 4 से. सो लेट्स डिवाइड इट फर्स्ट. सो यू हैव इज 3.96 डिवाइडेड बाय 4. डेसिमल हटाया, नीचे आपका क्या आ गया, दो जीरोस. अब 396 को आपने किससे डिवाइड करना है, 4 से. सो इट विल बी डिविजिबल बाय 36 पे आएगा, 9 पे आता है, और 36 ही बचता है 99. सो 99 पे आएगा, 99 डिवाइडेड बाय 100 विल गिव यू 0.99. देन द लास्ट वन वी हैव इज एट्थ वन. वेरी सिंपल टू डू, आपके पास दोनों नंबर्स ऐसे हैं जो डिविजिबल है. सो वी हैव इज 0.80 और नीचे 5 है. डेसिमल हटाया, नीचे क्या आ जाएगा, 100 वुड बी द. ऊपर 80 है, नीचे हमारे पास 500 है. सो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 बचा हमारे पास ऊपर, और नीचे क्या बचा, वी हैव इज 50. और 8 और 50 को रिड्यूस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इट वुड बी
4 and 25, एंड सिंप्लीफाई इट मोर। कैसे करेंगे? डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, थोड़ा इजी वाला। लेट मी जस्ट टेल यू। सो सबसे पहले हम क्या कर सकते थे, यहाँ से अगर हम 0 से 0 ना काटते ना, सो वी हैव 80 डिवाइडेड बाय 5, और 5 के टेबल पे 80 कब आता है? 16 पे। तो हमारे पास क्या बन गया? 16 बाय 100। अब 16 बाय 100 में हमें कोई डिविजन करने की ज़रूरत नहीं है, इट विल रिजल्ट इन टू 0.16। और पहले वाले में दिक्कत ये होती कि आपको डिवाइड करना पड़ता और ज़्यादा, इसलिए दिस वन इज ईजियर कॉन्सेप्ट कि हम क्या कर सकते हैं, ईजिली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 16 को 100 को डायरेक्ट डिवाइड करके।